हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है एस्टिगमेटिज्म। इससे पहले हम रिफ्रैक्टिव एरर के कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एफेकिया, और ये फोर्थ टॉपिक है एस्टिगमेटिज्म। ठीक है, तो इसमें हम शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ। द रेज ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कैन नॉट कन्वर्ज टू द पॉइंट फोकस बट फॉर्म्स फोकल लाइन। पॉइंट फोकस नहीं बनता, इसमें फोकल लाइंस बनती हैं। जैसे कि हमने नॉर्मल आई या फिर हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया में देखा है कि एक पॉइंट होता है जहाँ पे लाइट रेज आती हैं और वो जाके फोकस हो जाती हैं। जैसे मायोपिया में देखा, रेटिना के फ्रंट पे कन्वर्ज हो जाती है, और नॉर्मल आई में भी देखा कि है ना, रेटिना पे जाके फोकस हो जाती है, और हाइपरमेट्रोपिया में भी देखा कि वो बिहाइंड द रेटिना फोकस हो जाती है। बट इसमें क्या होता है, इसमें लेंस और कॉर्निया के इरेगुलर सरफेस की वजह से, लेंस और कॉर्निया में मतलब जैसे हमने जनरली देखा होगा लेंस एकदम प्लेन होती है, मतलब उस पर कोई भी मतलब जैसे बोलते खुरदरा स्ट्रक्चर या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो उस पर कोई भी इरेगुलरिटी, अनइवन सरफेस हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है, मतलब इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं, अनइवन सरफेस हो जाता है। अगर कोई बिल्कुल प्लेन सरफेस हो और इस पे कुछ लाइंस वाइंस बन जाएँ तो ये इरेगुलर हो जाएगा, अनइवन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम मिरर में देखते हैं, अगर मिरर टूट जाता है तो उस पे कितने सारे लाइंस बन जाते हैं जिसमें एक परफेक्ट इमेज शो नहीं होती, मतलब लाइंस में इमेजेस शो होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से कॉर्निया और लेंस में इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, दो फोकल पॉइंट बनते हैं। ठीक है, जिसमें कम से कम दो फोकल पॉइंट बनते हैं। लाइट रेज आई, एक फोकल पॉइंट या तो रेटिना पे बना, मतलब कहीं पे भी बना, और एक फोकल पॉइंट रेटिना के बिहाइंड बना या फिर रेटिना के पहले बना। तो इसमें क्या हुआ कि दो फोकल पॉइंट बने, फोकल पॉइंट ए और फोकल पॉइंट बी। ठीक है, तो ये जो फोकल पॉइंट ए और फोकल पॉइंट बी तक का जो वो होगा उसको हम बोलेंगे फोकल लाइन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फोकल लाइन। तो क्या होता है, जो और सारी डिजीज़ देखी हमने उसमें फोकल पॉइंट बन रहे थे, लेकिन इसमें बन रही है फोकल लाइन। तो इस फोकल लाइन के बीच में जो भी मतलब कहीं ना कहीं एक परफेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, अब एक तो बन रहा है फोकल, मतलब एक इमेज बनेगी रेटिना पे, एक इमेज बनेगी रेटिना के बिहाइंड, तो मतलब इसमें दो इमेज बन रही हैं, इसलिए हम इसको तो इसी वाली डिजीज़ को कहते हैं हम एस्टिगमेटिज्म। अब ये तो हमने देख लिया एक डेफिनेशन की तरह कि हाँ इसमें क्या होता है। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो इसमें हो क्या रहा है, मेरिडियंस होते हैं, मेरिडियंस मतलब कर्वेचर, किसका, लेंस और कॉर्निया। हमने देखा है कि लेंस और कॉर्निया कर्व्ड होती हैं, मतलब इस तरीके से होती हैं, जैसे बाउल होता है, मतलब कोई बाउल ले लें हम किचन में जाके, कोई कटोरी वगैरह अगर देखें तो वो कर्व्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो कर्व्ड स्ट्रक्चर होगी, तो अगर हम उसको लाइन खींचने की भी कोशिश करें तो जैसे एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जैसे लेंस ले लिया, कॉर्निया ले लिया। ठीक है, तो इसके दो प्लेन होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अगर हम है ना किसी बॉल पे लाइन खींचने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, ये तो हो गया इवन सरफेस। ठीक है, जो हम अगर हम इसमें लेंस या कॉर्निया की बात करें तो ये हो गया इवन सरफेस, ये चीज़ इसकी इवनली हो गई। मतलब क्या है, अगर हम इसमें लाइन खींचेंगे तो परफेक्टली मतलब हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू वर्टिकल आएगा ऐसे करके। ठीक है, तो क्या होगा अगर है ना एस्टिगमेटिज्म में क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसमें से किसी का भी कर्वेचर मतलब मेरिडियन इसमें होते हैं, जिसको हम वर्टिकल मेरिडियन और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बोलते हैं, या फिर हम बोल रहे हैं मतलब अगर अपनी लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में समझने के लिए अगर हम समझें तो क्या होता है, हम हॉरिजॉन्टल कर्वेचर भी बोल सकते हैं और वर्टिकल कर्वेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब एस्टिगमेटिज्म में क्या होता है कि कॉर्निया और लेंस का कर्वेचर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, कर्वेचर जो होगा, जो कर्व्ड कॉर्निया होगी वो ज़्यादा कर्व हो जाएगी। ठीक है, तो किसी का भी कर्वेचर इसमें मतलब किसी का भी कर्वेचर इसमें बिगड़ सकता है। ठीक है, चाहे हॉरिजॉन्टल का बिगड़ जाए चाहे वर्टिकल का बिगड़ जाए। अगर हॉरिजॉन्टल का कर्वेचर अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, चाहे ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब अब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली बढ़ गया। ठीक है, वर्टिकली तो यूँ ही रहा, हॉरिजॉन्टली बढ़ गया, चाहे ये ऐसे भी हो सकता है, वर्टिकली बढ़ गया, हॉरिजॉन्टली यूँ ही रहा। ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि वर्टिकल कर्वेचर हॉरिजॉन्टल कर्वेचर से कम है। ठीक है,
या हॉरिजॉन्टल कर्वेचर वर्टिकल कर्वेचर से ज़्यादा है। इसमें क्या लिखेंगे, वर्टिकल कर्वेचर हॉरिजॉन्टल कर्वेचर से ज़्यादा है। तो एस्टिगमेटिज्म में एक्चुअली में यही हो रहा है कि इसमें कर्वेचर बदल जाता है, ठीक है। कर्वेचर या तो हॉरिजॉन्टली कर्वेचर चेंज हो जाएगा या वर्टिकल कर्वेचर चेंज हो जाएगा। तो इसमें जो भी हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे तो कर्वेचर के रिलेशन में, मेरिडियन के रिलेशन में ही पढ़ेंगे, तो हमें ये समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉर्निया, कोई कॉर्निया हो गई, जैसे कॉर्निया ये हो गई, अब इसमें या तो ये इस साइड से बढ़ जाए, ठीक है, या तो ये ऐसे बढ़ जाए, मतलब ये ज़्यादा आगे हो जाए, या फिर ये ऐसे बढ़ जाए, तो इसमें इसका कर्वेचर चेंज हो जाएगा। मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे, बाकी हम एक बार और समझा देंगे, ठीक है। ड्यू टू द कर्वेचर वी हैव टू मेरिडियन, कर्वेचर की वजह से हम पे दो मेरिडियन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और एक वर्टिकल मेरिडियन। अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन दो टाइप में इसको क्लासिफाई किया गया है, रेगुलर और इररेगुलर, ठीक है। और रेगुलर को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेस। रिफ्रैक्टिव टाइप में दो फोकल पॉइंट के, जो दो फोकल लाइन, मतलब फोकल लाइन जो बनती है उसकी पोजीशन के, पोजीशन को लेके इसको डिवाइड किया गया है, और एक्सिस में उसके एक्सिस क्या है, दो या एंगल क्या है दो मेरिडियन के बीच में, उसको लेके डिवाइड किया गया है। तो रिफ्रैक्टिव टाइप में तीन टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और मिक्स्ड। ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सिस, एक्सिस में भी हम फोर टाइप्स देखेंगे, विद द रूल, अगेंस्ट द रूल, बाय ऑब्लिक और बाय ऑब्लिक। अगर आपको वो पहले का अगर नहीं समझ में आया तो हम उसको फिर से एक बार लास्ट में समझाएंगे, बट वो वाला इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो थ्योरी सब चलती है, मतलब वो सब लिखा ही है, बट है ना वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह से हमें ये समझ में आ जाएगा कि एस्टिगमेटिज्म होता क्या है। तो उसके फिर हम टाइप्स वगैरह अपने आप डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब हम आते हैं रेगुलर एस्टिगमेटिज्म में। एस्टिगमेटिज्म इज़ रेगुलर व्हेन रिफ्रैक्टिव पावर चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम वन मेरिडियन टू द अनदर। इसकी एटियोलॉजी क्या होती है, इसको इसके कॉजेज क्या होते हैं, कॉर्नियल एस्टिगमेटिज्म, लेंटिकुलर एस्टिगमेटिज्म और रेटिनल एस्टिगमेटिज्म। कॉर्नियल में क्या होता है, देखिए कॉर्नियल, हम इसमें कॉर्निया की बात करेंगे, लेंटिकुलर मतलब हम इसमें लेंसेज की बात करेंगे, रेटिना मतलब हम इसमें रेटिना की बात करेंगे, ठीक है। कॉर्नियल में क्या होता है, इसमें कॉर्निया का कर्वेचर चेंज हो जाता है और ये मोस्ट कॉमनली देखा गया है। लेंटिकुलर में क्या होता है, लेंटिकुलर एस्टिगमेटिज्म को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसमें कर्वेचर, लेंस का कर्वेचर चेंज हो जाएगा, कर्वेचरल उसको बोलेंगे, कर्वेचरल एस्टिगमेटिज्म, और पोजीशन जिसकी है ना, मतलब लेंस का प्लेसमेंट हो जाए या लेंस टिल्ट हो जाए, ऑब्लिक प्लेसमेंट हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम पोजिशनल एस्टिगमेटिज्म। इंडेक्स को मैं हम क्या देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, वेरी करता रहता है, ठीक है। रेटिनल एस्टिगमेटिज्म में क्या होगा, मैक्यूला का ऑब्लिक प्लेसमेंट हो जाएगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रेगुलर एस्टिगमेटिज्म में। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फोकल लाइन और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस। तो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोकल लाइन इन रिलेशन टू द रेटिना, रेटिना पे किस तरीके से वो फोकल लाइन बनती हैं, रेटिना के आगे बनती हैं, रेटिना के पीछे बनती हैं, मतलब इस बेसिस पे हम देखेंगे। तो सिंपल, इस बेसिस पे हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपल कंपाउंड और मिक्स, ठीक है, थ्री पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। तो क्या होता है कि जो लाइट रेज आई के अंदर जो फोकस होती हैं वो दो मेरिडियन से, दो प्लेन से जाके पास होती हैं, ठीक है। तो एक मेरिडियन की रेज जो होगी वो डायरेक्ट रेटिना पे फोकस होगी, ठीक है। एक मेरिडियन की रेज जो होगी वो या तो रेटिना के पहले फोकस होगी या रेटिना के बाद फोकस होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक जो लाइट रे है, जैसे एक प्लेन पे, जैसे ये हो गई हमारी आईबॉल, ठीक है, ये हो गई हमारी आईबॉल। तो क्या हो गया, एक मेरिडियन से आ रही है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल से आ रही हो चाहे वो वर्टिकल से आ रही हो, तो एक तो डायरेक्टली जाके रेटिना पे फोकस हो रही है, ठीक है। एक जो है वो रेटिना के बाद फोकस हो रही है, तो जो रेटिना के बाद जो फोकस हो रही होगी, रेटिना के पीछे जो फोकस हो रही होगी, तो उसको हम बोलेंगे सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिगमेटिज्म। बिहाइंड द रेटिना क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया, तो उसको बोलेंगे सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिगमेटिज्म। तो क्या हुआ, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें, एक इमेज रेटिना पे बन रही है और एक इमेज बन रही है बिहाइंड द रेटिना, ठीक है, बिहाइंड द रेटिना बन रही है। ऐसे ही हम इसकी बात करें मायोपिया की, तो क्या होगा, ये आई हो गई, ठीक है। एक प्लेन में क्या हो रहा है कि डायरेक्टली रेटिना पे आके फोकस हो रही है, दूसरे प्लेन में क्या हो रहा है, दूसरे मेरिडियन में, कि वो आई के फ्रंट में आके फोकस हो रही है, ठीक है। तो ये दो फोकल पॉइंट बन गए हमारे, और हम इसको बोलेंगे सिंपल मायोपिक एस्टिगमेटिज्म। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें, एक इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रही है और दूसरी इमेज हमारी फॉर्म हो रही है इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना। कंपाउंड में अगर हम बात करें, कंपाउंड एस्टिगमेटिज्म में, व्हेन लाइट रेज ऑफ बोथ मेरिडियन फोकस बिहाइंड द रेटिना और इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है।
तो क्या होता है इसमें क्या हो रहा था, एक तो रेटना पे फोकस हो रही थी, एक क्या हो रहा था रेटना के आगे या पीछे फोकस हो रही थी। कंपाउंड में क्या होता है कि है ना वो जो दोनों प्लेन से जो लाइट होकर आ रही है तो क्या होता है कि वो या तो रेटना के पीछे फोकस हो रही होगी या रेटना के आगे फोकस हो रही होगी। इसमें क्या होता है, ठीक है ये आई हो गई, अब क्या होगा लाइट रेज आ रही हैं तो दोनों ही लाइट रेज जो वो दोनों ही प्लेन से जो लाइट आ रही होगी वो बिहाइंड द रेटिना फोकस हो रही है, बट उनकी पावर अलग होगी। ठीक है ये क्या है बिहाइंड द रेटिना फोकस हो रही है, बोथ एक्सेस आर हाइपरमेट्रोपिक, दोनों ही एक्सेस हाइपरमेट्रोपिक होंगी बट उनकी डिफरेंट पावर होगी, एक छोटी है एक बड़ी है, आप डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है फ्रंट ऑफ द रेटिना दोनों ही मेरिडियन में वो जो लाइट रेज होंगी वो फोकस हो रही होंगी फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो इसका अगर हम डायग्राम देखें तो दोनों ही क्या हो रही हैं फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस हो रही हैं। ठीक है बट क्या है पावर इनकी डिफरेंट है, एक छोटी एक बड़ी, आप ऐसे मतलब ध्यान रख सकते हैं इसको। तो क्या है व्हेन रेज ऑफ बोथ मेरिडियन फोकस बिहाइंड द रेटिना, जिसको हम बोलेंगे कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिगमेटिज्म, उसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि बोथ एक्सेस आर हाइपरमेट्रोपिक, दोनों एक्सेस हाइपरमेट्रोपिक हैं बट उनकी डिफरेंट पावर है ना। फ्रंट ऑफ द रेटिना अगर फोकस हो रही है तो कंपाउंड मायोपिक एस्टिगमेटिज्म, बोथ एक्सेस आर मायोपिक बट विद द डिफरेंट पावर। मिक्स्ड में क्या होगा कि एक मेरिडियन में वो रेटिना के पहले फोकस हो रही होगी और एक मेरिडियन में वो रेटिना के बाद फोकस हो रही होगी। ठीक है ये हो गई, अब क्या है लाइट रेज आ रही हैं, एक तो मायोपिक हो गई और एक हो गई हाइपरमेट्रोपिक। ठीक है तो इस तरीके से ये मिक्स्ड हो गया, तो ये हो गए ऑन द बेसिस ऑफ फोकल लाइन इन द रिलेशन टू रेटिना। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेस, इस डायग्राम से हम अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए ये जो डायग्राम है इसमें हमें खुद से ही मतलब खुद से पहचानना है, ठीक है खुद से पहचानना है। इसमें देखिए एक रे जो आ रही है वो रेटिना से पहले फोकस कर रही है और एक रे जो आ रही है वो किस पे फोकस कर रही है, डायरेक्ट रेटिना पे। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि एक रे जो थी वो रेटिना पे फोकस करे और एक इमेज जो बने हमारी वो रेटिना से पहले वो फोकस करेगी। तो रेटिना से पहले फोकस करने वाली क्या टर्म पढ़ा था हमने, मायोपिया। अब एक रेटिना पे फोकस करिए तो ये हो गया सिंपल मायोपिक एस्टिगमेटिज्म। अगर हम इसमें भी देखें तो एक रे डायरेक्टली रेटिना पे फोकस कर रही है और एक जो इमेज आ रही है वो रेटिना के बिहाइंड फोकस कर रही है, तो हम इसमें क्या बोलेंगे सिंपल हाइपरमेट्रोपिक एस्टिगमेटिज्म। अब इसमें देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिया की जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें क्या था कि दोनों ही मेरिडियन से जो पास हो रही है वो लाइट वो रेटिना से पहले आके फोकस हो। ठीक है तो क्या है एक जो लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है एक प्लेन से जो लाइट रेज आ रही हैं वो भी रेटिना के पहले फोकस हो रही है और दूसरी प्लेन से जो लाइट रेज आ रही हैं वो भी रेटिना के पहले फोकस हो रही है, बस डिफरेंस इनके डिस्टेंस का है। ठीक है अब क्या है इसको इसलिए हम बोलेंगे इसका कंपाउंड मायोपिक एस्टिगमेटिज्म। अब इसमें देखें हम एक प्लेन से जो रेज आ रही हैं वो रेटिना के आगे फोकस कर रही हैं और जो दूसरे प्लेन से जो रेज आ रही हैं वो भी रेटिना के बहुत आगे फोकस कर रही हैं। तो अब बिहाइंड द मतलब बिहाइंड रेटिना के पीछे तो फोकस कर रहा है तो क्या है हम इसको बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया। अब दोनों ही लाइट रेज जो प्लेन से आ रही हैं दोनों ही प्लेन से जो लाइट रेज आ रही हैं अब वो हाइपरमेट्रोपिक हैं, तो हम इसको बोलेंगे कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिगमेटिज्म। ठीक है इसमें हम देखें मिक्स्ड का एग्जांपल है, ये लाइट रेज आ रही है एक तो मायोपिक है और एक लाइट रे आ रही है वो एक हाइपरमेट्रोपिक है, तो ये हो गया मिक्स्ड। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस, इसमें हम एक्सेस और एंगल के बेसिस पे हमने रेगुलर एस्टिगमेटिज्म को फोर पार्ट में डिवाइड किया है, विद द रूल एस्टिगमेटिज्म, अगेंस्ट द रूल एस्टिगमेटिज्म, ऑब्लिक एस्टिगमेटिज्म एंड बाय ऑब्लिक एस्टिगमेटिज्म। ठीक है जो विद द रूल एस्टिगमेटिज्म है उसमें क्या होता है वर्टिकल मेरिडिया इज मोर कर्व देन द हॉरिजॉन्टल मेरिडिया, जो वर्टिकल मेरिडिया होगा वो मोर कर्व होगा देन द हॉरिजॉन्टल मेरिडिया। ठीक है इसमें देखिए इसमें कर्वेचर इसका ज़्यादा दिख रहा है हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में। ठीक है तो इसमें अगर हम इसको दूसरे लैंग्वेज में कहें तो इसमें क्या होता है कि कॉर्निया की वर्टिकल मेरिडिया जो होती है वो हॉरिजॉन्टल मेरिडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा कर्व्ड होती है। ठीक है अब इसमें क्या होता है इसका जो करेक्शन होता है करेक्शन कॉनकेव लेंस से कॉनकेव सिलेंड्रिकल लेंस दिया जाता है उसको 180 डिग्री प्लस माइनस 20 डिग्री एक्सिस पर लगा कर करते हैं। ठीक है
इसका करेक्शन कैसे करेंगे, कॉन्केव सिलेंड्रिकल लेंस देंगे 180 डिग्री प्लस माइनस वन प्लस माइनस 20 डिग्री पे, ठीक है। कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस देंगे एट 90 डिग्री प्लस माइनस 20 डिग्री, ये क्या है, ठीक है। ये जो है 180 डिग्री और 20 डिग्री ये सब क्या है कि जो भी एक्सिस पेशेंट की एरर की रीडिंग आई है, ठीक है, जिस भी एक्सिस की आई है, जो भी रीडिंग आई है उस पेशेंट की, तो उसमें क्या होगा कि 20 डिग्री का हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी एक्सिस होगी उसमें हम 20 डिग्री का ऊपर नीचे करके भी एस्टिगमेटिज्म के एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, क्या है ना, अगर नॉर्मल कॉर्निया ऐसे होती है, इसमें H इक्वल्स टू V है, हॉरिजॉन्टल कर्वेचर इक्वल्स टू वर्टिकल कर्वेचर, इसका देखें या फिर ये वाला एरिया देखें या फिर ये वाला एरिया देखें, तो दोनों सेम होंगे। बट विद द रूल में क्या होता है, ठीक है, विद द रूल में क्या है कि वर्टिकल साइड ज़्यादा कर्व हो जाती है, ठीक है। अगर ये ऊपर से जैसे किसी ने मतलब इसको पिचका दिया हो तो क्या है, वर्टिकल साइड वर्टिकल ज़्यादा कर्व हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दी हॉरिजॉन्टल। इसमें ये हो रहा है, ठीक है। अगेंस्ट द रूल एस्टिगमेटिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कर्वेचर मोर कर्व्ड होता है देन दी वर्टिकल कर्वेचर, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल कर्वेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी वर्टिकल कर्वेचर। तो इसका करेक्शन हम कैसे करते हैं, इसका करेक्शन हम कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस लगा के उसको ठीक करते हैं एट द एक्सिस ऑफ 180 डिग्री प्लस माइनस 20 डिग्री, ठीक है। कॉन्केव सिलेंड्रिकल लेंस लगाएंगे, कॉन्केव कॉन्वेक्स आपको पता है किस में लगता है, ठीक है। कॉन्केव लगेगा मायोपिक में और कॉन्वेक्स लगेगा हाइपरमेट्रोपिक में, ठीक है। तो कॉन्केव सिलेंड्रिकल लेंस देंगे अगर, तो फिर इसमें क्या होगा कि 90 डिग्री प्लस माइनस 20 डिग्री एक्सिस पे हम उसको करेक्ट करेंगे बाय। तो इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कर्वेचर ज़्यादा होता है वर्टिकल कर्वेचर से, ठीक है। तो इसमें ये हो गई नॉर्मल कंडीशन और ये हो गई हमारी अगेंस्ट द रूल कंडीशन। तो क्या है, हॉरिजॉन्टल कर्वेचर इसमें ज़्यादा हो गया, साइड से ये ज़्यादा मुड़ गई, ठीक है। तो ये ज़्यादा कर्व हो गई एज़ कम्पेयर टू दी वर्टिकल कर्वेचर। तो इसमें हम क्या है कि, है ना, अगर हम बात कर रहे हैं कि वर्टिकल कर्वेचर ज़्यादा हो गया, तो वर्टिकल कर्वेचर मतलब वर्टिकल की तरफ से वो नीचे की तरफ हो गई, मतलब उसको ऐसे पिचका दिया, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टल कर्वेचर ज़्यादा हो गया तो हमने हॉरिजॉन्टल की साइड से ज़्यादा पिचका दिया। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं बायो ऑब्लिक एस्टिगमेटिज्म। बायो ऑब्लिक एस्टिगमेटिज्म में क्या होता है कि दोनों जो मतलब दोनों प्लेन जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, क्या होता है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टली नहीं होते, ऑब्लिकली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। बट ये है कि वो राइट एंगल पर प्लेस होते हैं वो, बट ठीक है। तो इसमें क्या है, टू मेरिडियन आर प्लेस्ड एट राइट एंगल एट टू ईच अदर बट नॉट एट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एग्जांपल 45 एंड 135 डिग्री। अब आई ऑब्लिक एस्टिगमेटिज्म में क्या है, टू मेरिडियंस आर नॉट एट राइट एंगल टू ईच अदर, इसमें क्या है, राइट एंगल पे भी नहीं होंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली प्लेस भी नहीं होंगे, बट ये है कि एस्टिगमेटिज्म होगा, मतलब कैसे भी कह लें बायोब्लिकली होगा, ठीक है। चाहे वो एग्जांपल ले लें 30 डिग्री और 100 डिग्री। क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स देखेंगे, साइंस देखेंगे, ठीक है। सिम्टम्स में क्या है, एस्थेनोपिया हो जाता है। एस्थेनोपिया का मतलब क्या है ना, आई में टायर्डनेस हो जाती है, आई को क्लोज करने पर रिलीफ मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं एस्थेनोपिया। और इसमें क्या होगा, डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग, फोकस नहीं कर पाएंगे, ब्लर विजन होगा, डल एक इन आई, मतलब उसमें दर्द होगा, फ्रंटल हेडेक होगा, ठीक है। और ब्लर विजन एंड डिफेक्टिव विजन, ब्लर विजन होगा और डिफेक्टिव विजन होगा, विजन कम होने लगेगा, ठीक है, मतलब कैपेसिटी देखने की कम हो जाएगी। कीपिंग रीडिंग मटेरियल क्लोज टू द आई, नीडेड टू अचीव लार्ज, एंड सेकंड वन इज़ ब्लड रेटिनल इमेजेस। इसमें क्या है कि पढ़ते टाइम आई को जब बंद करेंगे तो आई को बंद करने पे नॉर्मली आई को बंद करके खोलने पे क्या होता है कि हमें क्लियर इमेज दिखती है, बट हमें इसमें तब भी ब्लड दिखेगा, मतलब पेशेंट को तब भी ब्लड दिखेगा। साइंस क्या होगा, हाफ क्लोजर ऑफ द आईलेड, हम कैसे पहचानेंगे कि इसको क्या है, ठीक है। तो उसकी क्या होगी, क्या है ना, उसकी आधी आंख बंद होगी, ठीक है, आधी आंख बंद करके वो देख पाएगा क्लियरली, जिसको हम बोलते हैं स्टेनोपिक विजन, ठीक है। हेड टिल्ट हो जाएगा कि पेशेंट जो होता है वो पास की चीज़ों को देखने के लिए, क्लियर देखने के लिए, वो अपने सर को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली टिल्ट करेगा, ठीक है। रेटिनोस्कोपी और ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री से हम उसको चेक कर सकते हैं।
अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन पर, रेटिनोस्कोपी, केराटोमेट्री, एस्टिगमेटिज्म फैन टेस्ट, जैक्सन क्रॉस सिलेंड्रिकल टेस्ट, सिलेंडर टेस्ट, इससे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो ऑप्टिकल और सर्जिकल दोनों ही तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ऑप्टिकल में हम स्पेक्टिकल्स दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज दे सकते हैं, इसमें हम सिलेंड्रिकल पावर लेंस देंगे, अगर मायोपिया है तो हम कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस देंगे, अगर हाइपरमेट्रोपिया है कॉन्केव सिलेंड्रिकल लेंस देंगे, सॉरी मायोपिक में, और हाइपरमेट्रोपिक है तो कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंस देंगे, जो कि माइनस पावर के कॉन्केव होते हैं और प्लस पावर के कॉन्वेक्स होते हैं। ठीक है, इसमें कॉन्टैक्ट लेंसेज में हम टॉरिक लेंसेज देंगे और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट हम डिटेल में एक टॉपिक, एक वीडियो और अपलोड करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं समझाते। ठीक है, तो अब इसमें एक और टॉपिक रह गया है, डैट इज़ स्टम्प्स कोनॉइड एंड इरेगुलर एस्टिगमेटिज्म, वो वीडियो हम सेकेंड पार्ट में अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।